बीच बस एक अजीब सा साउंड है जो कि कुछ ऐसा सुनाई देता है। सुनो, तो तुमने ये नोटिस किया होगा कि साउंड की लाउडनेस ये ऑल्टरनेट कर रही है, ये लाउड से फिर सॉफ्ट, फिर लाउड सॉफ्ट, ऐसे ऑल्टरनेट करती जा रही है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्चुअली में तुम दो साउंड की वेव्स को सुन रहे हो जो कि इंटरफेयर कर रही है, और ये साउंड की वेव्स, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही क्लोज है एक दूसरे के, ये बिल्कुल सेम नहीं बल्कि बहुत ही क्लोज फ्रीक्वेंसीज है, और इनके इंटरफेरेंस के कारण ही हमें बीट सुनाई देता है। अब इसे अच्छे से समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। तो मेरे पास यहाँ पे एक स्पीकर है जो कि एक 440 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर रहा है। सुनो, अब ये जब साउंड वेव्स हवा से ऐसे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ एयर मॉलिक्यूल्स होने वाली है। हम फोकस करने वाले हैं एक पर्टिकुलर एयर मॉलिक्यूल पे, इस एयर मॉलिक्यूल पे फोकस करते हैं, ठीक है। अब जैसे ही ये वेव्स इसके क्रॉस करेंगे ना, इसे क्रॉस करेंगे, तो ये एयर की मॉलिक्यूल ये ऑसिलेट करना चालू कर देगी अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट। अब हम समय के साथ साथ ये देखने वाले हैं कि इसकी डिस्प्लेसमेंट कैसे वेरी करती है। तो इसके लिए मैंने एक ग्राफ बना लिया, ये रहा एयर मॉलिक्यूल की डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, इस एयर मॉलिक्यूल की डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, यानी कि समय के साथ साथ इसकी डिस्प्लेसमेंट ऐसे वेरी करती जा रही है। अब मैं यहाँ पे एक और स्पीकर लाने वाला हूँ, ये दूसरी वाली स्पीकर, और ये सेम फ्रीक्वेंसी की साउंड को जनरेट कर रहा है। अब इस स्पीकर को मैं पहले वाले स्पीकर के डिट्टो ऊपर रख देने वाला हूँ ऐसे, ताकि सारी वेव्स ये इंटरफेयर कर जाए कंस्ट्रक्टिवली, ये ओवरलैप कर जाए। अब आप देखते हैं कि इस केस में हमारी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट ये कैसे वेरी करने वाली है। तो देखो, ये सेकेंड वाली वेव, इसके कारण इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट, ये भी बिल्कुल ही सेम ग्राफ आने वाला है, ये कुछ ऐसा ग्राफ होगा। देखो, सेम फ्रीक्वेंसी होने वाली है, पीक टू पीक डिस्टेंस इन दोनों ही वेव्स का बिल्कुल ही सेम है। अब क्योंकि बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ये दोनों स्पीकर्स ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो यानी कि ये वेव कुछ ऐसे ओवरलैप कर जाएगी इस ग्रीन वाली वेव को। देखो, पीक के ऊपर पीक पूरा का पूरा ओवरलैप हो चुका है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और जो हमारी फाइनल वेव आने वाली है, ये फाइनल ग्राफ, ये बहुत ही बड़ी ग्राफ होने वाली है ऐसे कुछ, यानी कि इस केस में हमें जो साउंड सुनाई देगा यहाँ पे, ये बहुत ही लाउड होने वाला है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है यहाँ पे। अब देखो, अगर मैं इस स्पीकर को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं, थोड़ा सा ऑफसेट कर दूं, कुछ ऐसे एक फेज डिफरेंस डाल दूं, ऐसे कि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने लग जाए, यानी कि मेरी वेव्स ये कुछ ऐसे इंटरफेयर करेगी। अब देखो, पहली वाली की जहां जहां पे पीक है ना, वहां पे दूसरी वाली की वैली है, और दूसरी वाली की जहां पे पीक है वहां पे पहली वाली की वैली है, तो यानी कि हर एक समय पे ये दोनों वेव्स ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाने वाली है, और यहाँ पे हमें नेट डिस्प्लेसमेंट ये हमेशा जीरो आने वाला है, यानी कि ये पार्टिकल बिल्कुल भी मोशन नहीं करेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और इसलिए यहाँ पे बिल्कुल भी कोई साउंड नहीं सुनाई देने वाली है। यानी कि अगर तुम दो साउंड वेव्स करो जिनकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ही सेम है और ये कंप्लीटली ओवरलैप कर रही है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और तुम्हें एक बहुत ही लाउड साउंड सुनाई देगी। लेकिन अगर तुम इन्हीं दोनों वेव्स को 180 डिग्री आउट ऑफ फेज ओवरलैप करवाओ, तो इस केस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाली है और तुम्हें कोई साउंड सुनाई नहीं देगा। तो देखो, ये तो तब का केस था जबकि दो सेम फ्रीक्वेंसी वाले साउंड वेव का हम इस्तेमाल कर रहे थे। अब अगर मैं एक ऐसी साउंड वेव का इस्तेमाल करूं जिसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी अलग हो पिछले वाले केस से, पहले वाले वेव से, यहाँ पे मेरे पास आ गया दूसरा स्पीकर, और ये जो साउंड वेव जनरेट कर रही है इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी अलग है ये पहली वाली वेव से, तो यहाँ देखो इस केस में क्या होगा कि कहीं कहीं पे हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलने वाला है और कहीं कहीं पे हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी मिल सकता है, ये वेव्स आगे जाके आउट ऑफ फेज भी हो जाती है। अब ग्राफ के नजरिए से देखते हैं, तो अगर मैं इस सेकेंड वाली वेव के कारण इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाऊं, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ आने वाला है। देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये पहली वाली वेव, इसकी टाइम पीरियड कुछ ये होने वाली है पीक टू पीक के बीच की ड्यूरेशन, और इस सेकेंड वाली वेव की ड्यूरेशन ये कुछ ज्यादा बड़ी होने वाली है। देखो, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, लेकिन इसी डिफरेंस के कारण हमें बीट सुनाई देती है। अब देखते हैं कैसे, अगर मैं इन दोनों को ओवरलैप कर दूं, यानी कि इंटरफेयर करवाऊं, तो ये कुछ ऐसा होने वाला है। ये ग्राफ को मैं पकड़ के इसके ऊपर डाल देता हूं। हाँ, तो आप देखो इस टाइम पे, क्योंकि ये एक्सेस टाइम है ना, तो यानी कि इस टाइम पे हमें दिख रहा है कि दोनों वेव्स कंप्लीटली ओवरलैप कर गई हैं, यानी कि यहां पे हो रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इस समय पे हो रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और हमें लाउड साउंड सुनाई देने वाली है। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा ही आगे जाओगे तो तुम्हें दिखेगा कि ये पिंक वाली वेव ये थोड़ी सी आउट ऑफ फेज हो गई है। देखो, जिस टाइम पे ये ग्रीन वाली वेव का मैक्सिमम आता है, यानी कि इसके कारण ग्रीन वाली वेव के कारण पार्टिकल की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, उस टाइम पे ये पिंक वाली वेव इसके कारण थोड़ा सा ही डिस्प्लेसमेंट होता है राइट डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में।
तो यानी कि यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कंप्लीटली कंस्ट्रक्टिव इंडिफरेंस नहीं होगा, हाँ कंस्ट्रक्टिव इंडिफरेंस होने वाला है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव इंडिफरेंस। अब अगर मैं थोड़ा सा और आगे जाऊं तो यहाँ पे और कम कंस्ट्रक्टिव इंडिफरेंस होगा, थोड़ा सा और आगे जाऊं तो और कम कंस्ट्रक्टिव इंडिफरेंस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पिंक वाली वेव की पीक है, लेकिन ग्रीन वाली वेव की ये तो वैली आ रही है यहाँ पे, यानी कि इसकी पीक इसकी वैली से मैच कर रही है, यानी कि यहाँ इस केस पे होने वाला है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देने वाले हैं, और हमें यहाँ पे कोई भी साउंड नहीं सुनाई देने वाली है। हमने मैथमेटिकली ये पढ़ा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा बीच वाले नहीं किया। अब अगर मैं थोड़ा सा और आगे, यहाँ पे और कम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, थोड़ा सा और आगे जाऊँ तो और कम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पिंक वाली वेव की पीक है, लेकिन ग्रीन वाली वेव की ये तो वैली आ रही है यहाँ पे, यानी कि इसकी पीक इसकी वैली से मैच कर रही है, यानी कि यहाँ इस केस पे होने वाला है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देने वाले हैं, और हमें यहाँ पे कोई भी साउंड नहीं सुनाई देने वाली है, या फिर थोड़ी सी सॉफ्ट साउंड सुनाई देने वाली है, तो यहाँ हो रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब अगर मैं थोड़ा सा और आगे जाऊँ तो यहाँ पे देखो, ये जो ग्रीन वाली वेव है इसका पीरियड कम, यानी कि ये एक एक्स्ट्रा साइकिल कवर कर जाती है, और यहाँ पे आके ये फिर से कंप्लीट ओवरलैप कर रही है इस पिंक वाली वेव के साथ, यहाँ होने वाला है फिर से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो कंस्ट्रक्टिव फिर डिस्ट्रक्टिव फिर कंस्ट्रक्टिव, यानी कि तुम्हें इस समय लाउड साउंड सुनाई देगी, फिर थोड़ी सॉफ्ट साउंड सुनाई देगी, फिर थोड़ी लाउड साउंड सुनाई देगी। तो यानी कि अगर तुम यहाँ पे खड़े हो इस पार्टिकल के बगल में और साउंड को सुन रहे हो, तो तुम्हें साउंड की लाउडनेस में एक फ्लक्चुएशन सुनाई देने वाला है। जब ये वाला पोर्शन हिट करेगा यानी कि तुम्हें एक लाउड साउंड सुनाई देगी, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जब ये वाला पोर्शन हिट करेगा तो तुम्हें एक सॉफ्ट साउंड सुनाई देगी, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इसी फ्लक्चुएशन इन लाउडनेस, इसी को हम कह देते हैं बीट्स। अब इसे एक बार बजा के सुन भी लेते हैं। मैं प्ले करने वाला हूँ एक 440 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को, ये कुछ ऐसी सुनाई देने वाली है, सुनो। अब फिर मैं प्ले करने वाला हूँ एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो कि बहुत ही क्लोज हो इस 440 हर्ट्ज के, मैं प्ले करूंगा 443 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, ये कुछ ऐसी सुनाई देने वाली है। अब वैसे तो तुम्हें इन दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच में ज्यादा अंतर समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अगर मैं इन दोनों फ्रीक्वेंसी को साथ में प्ले करूं ना तो हमें बीट सुनाई देने वाली है, सुनो कुछ ऐसे। तो ये जो फ्लक्चुएशन तुम्हें सुनाई दे रहा है साउंड की लाउडनेस में, लाउड सॉफ्ट, इसी को हम कह देते हैं बीट्स। अब आप बात करते हैं बीट फ्रीक्वेंसी के बारे में, आता है हमें न्यू 1 माइनस न्यू 2 फ्रीक्वेंसी, ये होती लाइट्स, आता है अपने को न्यू 1 माइनस न्यू 2 डेरिवेशन हमें आती है। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि बीट फ्रीक्वेंसीज क्या है और एक्चुअल में बीट्स कैसी है।